हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुक वेज फूड में स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड सैंडविच। इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगा है। ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी बना है। आपके पास जब समय कम हो तो आप ये सुबह के नाश्ते में बनाइए या बच्चों के टिफ़िन में बनाइए। इसको बनाने में कम से कम 5 से 10 मिनट ही लगेगा। ये देखिए, इसका टेक्स्चर कितना बढ़िया आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसके लिए पहले हम पिज़्ज़ा सॉस घर में रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने टोमेटो केचप लिया है और इसमें हम मिला देंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 2 से 3 चुटकी मिला देंगे इसमें हम नमक। इसमें ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बहुत हल्का सा नमक मिलाएंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यदि आपके पास बॉयल आलू हैं तो बॉयल आलू ले लीजिए। ये हमारे पास एक कटोरी रात की सब्जी है, उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आलू की सब्जी ली है, अब इसको चम्मच से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें हम मिला देंगे 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर का हमको रस नहीं लेना है, सिर्फ इसी तरह से चॉप करना है। और साथ ही साथ मिला देंगे 1 कटी हुई प्याज, ये भी बारीक काट के डाली है। और 1 चम्मच मिला देंगे हरी मिर्च। इसमें हमने बीज का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हरी मिर्च की परत का यूज़ किया है। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसमें मिला देंगे ग्रेटेड 2 चम्मच चीज़। यदि आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच स्नैक सॉस। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। जब इस तरह से फिलिंग बनाकर हम रेडी करते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये देखिए, हमारी फिलिंग बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हमने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। हमें इसको हेल्दी भी बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिया हमने मायोनीज़। अब इसको एक ब्रेड में इस तरह से हम अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से जब बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरह से हम बढ़िया से इसमें फैला लेंगे। इसी तरह बाकी ब्रेड में भी हम मायोनीज लगा लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी ब्रेड बन के रेडी हैं। अब इसमें जो हमने सॉस रेडी किया था उसको इस तरह से पतला पतला फैला लेंगे। सारी ब्रेड पर हमको 1 चम्मच इसी तरह से सॉस लगाना है। अब इस पर हम फिलिंग रखेंगे, 1 से 2 चम्मच इस तरह से हम रखेंगे। और बढ़िया से इसको दूसरी ब्रेड से हम कवर कर देंगे। इसमें हमने प्याज और टमाटर चॉप करके डाला है, तो इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और बच्चे भी आराम से खा लेंगे। ये देखिए, सारी ब्रेड बन के रेडी है। अब एक फ्राई पैन लेकर के इसमें हम ऑयल इस तरह से लगा लेंगे और एक एक तरफ रखकर स्लो फ्लेम पर इसको बढ़िया से दोनों तरफ सेक लेंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह हम ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो मक्खन से भी इसको सेक सकते हैं, मक्खन से और बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसको हम पलट देंगे, इसको स्लो फ्लेम पर ही हम सेकेंगे। ये देखिए, हमारी ब्रेड दोनों तरफ सेक कर रेडी है। इस तरह से हम चाकू से या कैंची से इस तरह से काट के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारी ब्रेड बन के रेडी है। खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।